मसूरी देहरादून मार्ग कोलू खेत से 1 किलोमीटर ऊपर एक कार अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस फायर सर्विस 108 एम्बुलेंस ITBP SDRF के जवान मौके पर पहुंचे और देर रात करीब 3 घंटे संयुक्त रूप से चला रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 7 घायलों को गंभीर हालत में खाई से निकालकर 108 और ITBP के एम्बुलेंस से देहरादून मैक्स अस्पताल पहुंचा दिया गया है। अंधेरा और गहरी खाई होने के कारण घायलों को खाई से रेस्क्यू करने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि देर रात को प्रेम नगर निवासी 3 लड़की और 3 लड़कों के साथ सहारनपुर निवासी अंकित देहरादून से मसूरी घूमने आए थे कि अचानक कोलू खेत के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। कार के खाई में गिरने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस के साथ सभी अन्य आपदा राहत की टीमें घटनास्थल पर पहुंची थीं। मसूरी के स्थानीय निवासी गोल्डी और शहनवाज ने बताया कि वह अपनी टैक्सी कार से मसूरी आ रहे थे, तभी उन्हें आगे तेज गति से चल रही एक कार को अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिरते हुए देखा। इसके बाद वो खुद वहाँ पर गए और मौके पर पहुँचे, लेकिन गहरी खाई होने के कारण वह किसी को निकाल नहीं पाए और कुछ देर बाद सभी राहत टीमें मौके पर पहुंची, जिसके बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। मैं नीचे देहरादून से आ रहा था तो हमारे एक मित्र थे साथ में टैक्सी वाला ही, उन्होंने फ़ोन किया कि यहाँ से गाड़ी गिर गई है। तो मैं कुल्लू खेत में पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया कि भाई वहाँ पे मंदिर के पास कोई गाड़ी गिरी। हमारी ISBT छोड़ के आ रहा था, जैसे मैं आगे को आ रहा था इनने मुझे ओवरटेक मारा। ओवरटेक का मतलब ऐसा ओवरटेक मारा है कि गाड़ी बहुत गंदी जा रही थी, सब बंदों ने दारू पी रखी थी। वो गाड़ी का जैसे ही टर्न मारना था वैसे ही दिखा था, जैसे ही आगे को आई तो गाड़ी सीधा नीचे को बाहर की तरफ, और जैसे बाहर की तरफ गई थी। अभी को आने वाला की गरीब सूचना मिली की गाड़ी कोलूपुर से 1 किलोमीटर जो हनुमान मंदिर है वहाँ गिर गई है। सूचना पर मसूरी पुलिस, राजपुर पुलिस, SDRF, ITBP, फायर सभी मौके पे पहुंचे और सभी मिलकर रेस्क्यू कर रहे। ये 7 लोग थे, करीब 300-400 मीटर मतलब काफ़ी टिकी थी चढ़ाई वाली खाई में गिर गए, तो रेस्क्यू करने में थोड़ी इनको परेशानी हो रही थी। 7 लोग को रेस्क्यू कर लिया गया है और उनको अस्पताल भेजा जा चुका है। 2 को थोड़ा चोट ज़्यादा लगी है और उनकी थोड़ी सी स्थिति रहने वाले है। कितने लड़की कितने लड़के? ये 3 लड़की हैं और 4 लड़के हैं। अभी इनके नाम भी ढंग से पता नहीं चल पाए हैं क्योंकि ये बता भी नहीं रहे हैं, फोन नंबर भी नहीं दिया। हॉस्पिटल में मैंने सिपाही भेज दिए हैं, वो इनसे संपर्क ढंग से करके इनके परिजनों को सूचित करें। गाड़ी हाई स्पीड में थी लगता तो स्थिति देख के ऐसा ही है कि गाड़ी स्पीड में होगी क्योंकि गाड़ी उछल के नीचे गई है, पैराफिट से टकरा के तोड़ के निकल गई। लाइव उत्तराखंड के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट।